कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 मई को कर्नाटक के तुरुवेकेर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी पर राहुल गांधी जमकर बरसे और उनकी सरकार पर 40% चोरी करने का आरोप लगाया। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी के 91 बार गालियां देने वाले बयान पर पलटवार किया। राहुल ने कहा कि आप बोलते हैं कि कांग्रेस ने आपको 91 बार गालियां दी है, लेकिन ये नहीं बताते हो कि आपने कर्नाटक की जनता के लिए क्या किया है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री को सब कुछ मालूम है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और उनको कहा कि कर्नाटक में 40% कमीशन हर काम पे लिया जा रहा है। दिंगेश्वर स्वामी जी ने कहा कि मुझसे 30% कमीशन लिया गया है। यहां पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम हुआ, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम हुआ, कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ, पुलिस इंजीनियर कोऑपरेटिव बैंक स्कैम। और बीजेपी के एमएलए ने स्वयं कहा, मीडिया को कहा कि कर्नाटक में सीएम की कुर्सी 2500 करोड़ के लिए बिकती है। प्रधानमंत्री को ये चीजें मालूम है, ये छुपी नहीं है। अगर कर्नाटक के हर बच्चे को ये मालूम है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी ये मालूम होगा। तो मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से ये है कि पिछले 3 सालों में जब आपको मालूम था कि कर्नाटक में 40% चोरी हो रही है तो आपने क्या किया? आपने चोरी को रोकने की कोशिश की, आपने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की कोशिश की, आपने एक कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? और अगर आप आज आते हो कर्नाटक की जनता से वोट मांगने आते हो तो आपको यह समझाना चाहिए कि जब कर्नाटक की जनता से 3 साल के लिए 40% चोरी किया जा रहा था तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या एक्शन लिया, क्या डिसीजन लिया, रोकने की कैसे कोशिश की, यह बताना चाहिए। अब मैंने आपको कहा कि सरकार का काम जनता को, तो मेरा प्रधानमंत्री से सवाल है कि जब आपको मालूम था कि यहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको मालूम था कि 40% कमीशन लिया जा रहा है, तो इसके बारे में आपने क्या किया? अपने भाषण में कर्नाटक की जनता को आप ये बताइए कि जब मुझे पता लगा कि 40% कमीशन लिया जा रहा था तो मैंने ये और ये किया। आप कर्नाटक की जनता को यह भी समझाइए कि जब कर्नाटक को टैक्स का पैसा मिलना चाहिए और कर्नाटक को जो कर्नाटक का हक था वो पैसा नहीं मिला तो आपने क्या किया? और आप ये भी बताइए जब कर्नाटक में बाढ़ आई, जबरदस्त नुकसान हुआ, तो आपने क्या मदद की? और गोवा, राहुल ने कहा कि बीजेपी ने घोषणा की है कि बीपीएल परिवारों को 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, जबकि पहले इन सिलेंडरों की कीमत 3 गुना हो गई थी। सबके फायदे के लिए एलपीजी सिलेंडर के दाम कम क्यों कर रहे थे? तो वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने जनता को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए। राहुल गांधी ने गृहलक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया। गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, अन्य भाग योजना के तहत परिवार के हर सदस्य को 10 किलो चावल और युवा निधि योजना के तहत 2 साल तक ग्रेजुएट को 3000 रुपये और डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपये प्रति महीने देने का वादा किया। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com।